बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भी सेगमेंट तो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने एटॉमिक साइज, आयनिक साइज पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, उसे हम एग्जांपल दी, ग्रुप्स और पीरियड के अंदर एक्सप्लेन किया। आज आपके पास है डिफाइन एंड एक्सप्लेन आयनाइजेशन एनर्जी। ये वाला टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में छठे चैप्टर में भी पढ़ा था, डिफाइन एंड एक्सप्लेन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron from the valence shell of atom is called as ionization energy। किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है, उस एनर्जी का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद देखते हैं इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास है ये सोडियम एटम, ये आपके पास है Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ये बाकी 10 इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसे आई ई से डिवाइड करते हैं, ये बराबर है 496, ये बन जाएगा किलो जौल पर मोल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गई। अब एग्जांपल नंबर 2, आपके पास है मैग्नीशियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे 11 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस 1 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? इसकी होती है 738 किलो जौल पर मोल। 738 किलो जौल पर मोल, इसे दोबारा लिखें। और ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब इसके बाद है ये मैग्नीशियम प्लस, ये 11, एक इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव करो, ये बन जाएगा मैग्नीशियम प्लस 2, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव करो। इस एनर्जी का नाम होगा आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ये बराबर होगी 1451, ये बन जाएगी किलो जौल पर मोल। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब वन इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है? वाई सेकंड वैल्यू ऑफ, सेकंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से क्यों ज्यादा? तो इसका आंसर क्या बनेगा? व्हाई सेकेंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इसका आंसर ये बनेगा, द रीजन इज दैट व्हेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव then there is a positive charge, so there is a strong force attraction between remaining electron and positive charge। जब आप first electron निकालते हैं उस वक्त उस atom पे zero charge है, जैसे कि force is weak है, लेकिन जब आप second electron remove करते हैं तो उन electron पे negative charge है और उस atom पे positive charge है, तो positive charge और electron के दरमियान force of attraction बढ़ जाती है, जिसकी वजह से second electron को निकालना difficult है। रिमूव तो हो जाएगा लेकिन हमें फोर्सेस ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसी वजह से लिखा है सेसो सेकंड वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन फर्स्ट। फिर आपने ये दोनों एग्जांपल भी दे दिए, पहला आंसर बताना। अब इसके बाद लिखते हैं भी फैक्टर्स। फैक्टर्स नंबर 1, सबसे पहला फैक्टर मैं लिख देता हूं एटॉमिक साइज। अगर एटम का साइज बढ़ता है, अगर एटम का साइज बढ़ता जाए, ये एटम का साइज बढ़ता जाए, अगर एटम का साइज बढ़ता जाएगा फोर्सेस वीक होते जाएंगे, अगर फोर्सेस वीक होती जाएंगी तो जो इलेक्ट्रॉन है इजीली रिमूव हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के लिहाज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसके बाद है नंबर 2, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब 1s 2s के लिए चेंज हो जाने बढ़ते
के ऊपर चार्ज का बढ़ना, अटोमिक नंबर का बढ़ना, अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। नंबर फोर लास्ट है, वो अशील नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो शील्डिंग इफेक्ट के भी इन्वर्स नहीं होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट अगर सवाल आ जाए, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, अगर सवाल आ जाए डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, the repulsive forces between the nucleus and the electron, the increase of repulsive forces या decrease of force of attraction, जो भी कहो, इसकी definition क्या है? The increases of the repulsive forces or या फिर decreases of is called shielding. ये कहलाता है shielding effect. यहाँ पर आज हमने की definition, example, इसके back पर discuss की। पहले क्या है ionization energy, define that as an ionization energy. The amount of energy required to remove the electron from the valence shell of the atom. किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उस एनर्जी का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो प्रोसेस है, एनर्जी हम लगा रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसका जो साइन आता है पॉजिटिव, इसको किस तरह करते हैं? पॉजिटिव एनर्जी लगानी पड़ती है इस प्रोसेस के अंदर, एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसका साइन पॉजिटिव। जैसे यहां पे देखिए सोडियम है, सोडियम का आयनाइजेशन भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इस एनर्जी का आयनाइजेशन। सेकंड एग्जांपल में मैग्नीशियम के दो पावर हैं, टोटल ऑक्सीजन में दो है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालो फर्स्ट आयनाइजेशन में, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे सेकंड आयनाइजेशन में, तो देखिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या बनेगा? द रीजन इज दैट देयर इज ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, सो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर सेकंड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट। ये इसका आंसर बनेगा। और एग्जांपल के लिए फैक्टर्स एटॉमिक साइज जैसे बढ़ेगा फोर्सेस वीक होती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के इनवर्स से होगा। नेचर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी फिर भी कम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, फोर्सेस बढ़ेगी, चार्जेस बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उसके लिहाज से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर मैंने बताया डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट क्या है, द इंक्रीज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस इज शील्डिंग इफेक्ट या डिक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज आल्सो शील्डिंग इफेक्ट, या आप लोग इंक्रीज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस कहो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या डिक्रीज ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, या इसको दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। तो ये इसके फोर फैक्टर्स थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसे पीरियोडिक टेबल का, एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे इसे पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हेडिंग लिखेंगे पीरियोडिक टेबल की, हम हेडिंग लिखेंगे पीरियोडिक टेबल की, यानी आयनाइजेशन एनर्जी को पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे, और पीरियोडिक टेबल के अंदर हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को ग्रुप के अंदर, और इसे डिस्कस करेंगे हम पीरियड के अंदर। आप ग्रुप और पीरियड के बारे में जानते हैं, हम लोग एटॉमिक साइज जब पढ़ रहे थे तो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, तो ग्रुप के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है और पीरियड करना है। ये बात ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर डिक्रीज होती है और पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है, जिसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी को ग्रुप्स और पीरियड में डिस्कस करेंगे। आज से मैंने आपको डेफिनेशन
उसकी एग्जांपल, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और उसके फैक्टर्स को डिस्कस किए, और नेक्स्ट जो ना हम डिस्कस करेंगे इसे पीरियडिक टेबल के अंदर, पीरियडिक टेबल के अंदर पूर्व सर्व पीरियड। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा।